जंगल में चढ़ने गई 6 गायों को मारकर गौमांस बेचने वाले 4 आरोपियों को बिलखरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। बिलखरिया थाना इलाके में गौवंश हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। मामले में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गौमांस की बिक्री कहां की गई है। साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने रायसेन जिले के सलामतपुर में भी ऐसी घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है। थाना बिलखरिया जिला भोपाल देहात के अंतर्गत दिनांक 11 को पुलिस के पास एक सूचना आई, जिसमें फरियादी के द्वारा यह बताया गया कि 9 जुलाई को उसने अपनी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ा था, परंतु गायें चरने के पश्चात उसके घर लौटकर नहीं आई। फिर फरियादी उसकी अपनी गायों की तलाश करता रहा, 9, 10 एवं 11 को तलाश किया, फिर 11 को उसके द्वारा रिपोर्ट की गई और उसके उपरांत पुलिस ने तत्काल इसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसमें नए अधिनियम की धारा 303(2) BNS और गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लगाई गई। और विवेचना के दौरान पुलिस ने यह पाया कि अमझिरा का जो जंगल था, अमझिरा बासिया जंगल, उस जंगल के अंदर पुलिस को कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पे किसी जानवर की हत्या की गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।